हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कास्ट क्लासेस। तो बच्चों, प्रेपोजिशन चल रहा है हमारा। प्रेपोजिशन का ये 10th लेक्चर है आपका आज, और आज मैं बात करूंगा फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के। काफ़ी प्रेपोजिशंस कर चुके हैं। प्रेपोजिशन मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशंस। ठीक है, समझ में आई होगी वो वीडियो। अगर समझ नहीं आती है तो उसको दोबारा देखो, फिर देखो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वीडियो में एक बार दोबारा से आप समझा दीजिए। ठीक है, तो हम कॉम्प्लिकेटेड थी वो ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन, हल्का बहुत कि वर्ब कब होता है कोई वर्ड और नाउन कब होता है। तो वो आप धीरे धीरे जब आगे हम पढ़ेंगे नाउन प्रोनाउंस में, तो आपको और भी क्लियर होगी। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, चाहे वो मैथ्स पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो या हरियाणा जीके पढ़ो या जीके पढ़ो या जीएस पढ़ो, तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, कोई भी चीज़ जब आप 3 बार करते हैं ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी वो। तो कोई भी वीडियो को भी आप अगर थोड़ा सा लगता है कि कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, तो उसको 2-3 बार तो कम से कम देखो ही देखो। ठीक है, इसी से आपका बेस क्लियर होगा, इसी से आपका बेस बनेगा और आप किसी कोई ना कोई एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए अब इस पर हम स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हम पूछेंगे यहाँ पे। आपको मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा 5-10 क्वेश्चंस, उसके आपको आंसर करने हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस से बेस हैं वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, आई ऑलमोस्ट नेवर एग्री डैश, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे आई ऑलमोस्ट नेवर एग्री डैश हिम बट दिस टाइम वी शेयर्ड बट दिस टाइम वी शेयर्ड द सेम ओपिनियन। ठीक है, आपको इसके अंदर प्रपोजिशन फिल करनी है, फिक्स प्रपोजिशन चाहिए। चलिए मैं 4-5 क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूँ, फिर हम एग्जाम प्रैक्टिस करेंगे इसके। सेकंड है, ही सब्सक्राइब्ड डैश वीकली मैगजीन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, सी ब्लेम्ड द इंसिडेंट डैश माई केयरलेसनेस। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं, फिक्स प्रीपोजिशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक बार आप देखते रहिएगा और साथ साथ आंसर हो सकता है आंसर दीजिएगा, ऑप्शंस मैं आपको बाद में दे दूंगा। फोर्थ है, द कन्विक्ट एस्केप्ड डैश अ हाई सिक्योरिटी प्रिजन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे ये। ठीक है, 4 हो गए। फिफ्थ आप लिखेंगे, स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग, ये मैंने आपको करवाया भी है पहले लेक्चर्स में, स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग डैश इंक्रीजिंग स्कूल फीस इन स्कूल्स। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट 6, रवीज पेरेंट्स, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, डिसअप्रूव्ड। बच्चों एक कई एग्जाम में पूछा गया है, रवीज पेरेंट्स डिसअप्रूव्ड डैश हर मैरिज टू द वेल्दी बैंकर। चलिए एक बार ये 6 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद और 5-6 क्वेश्चन हम देखेंगे। ऑल राइट, कैन यू आंसर कि क्या प्रेपोजिशन हमें यहाँ पे फिल करना है। बच्चों मैंने आपको बताया था फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के साथ, ये फिल इन द ब्लैंक्स कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ऑल राइट, आई ऑलमोस्ट नेवर एग्रीड एज हिम बट दिस टाइम वी शेयर द सेम ओपिनियन, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज, ही सब्सक्राइब्ड डैश वीकली मैगजीन्स, उसने वीकली मैगजीन्स को सब्सक्राइब किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, सी ब्लेम्ड द इंसिडेंट डैश माई केयरलेसनेस, उसने ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ उसने मेरी केयरलेसनेस पे ब्लेम कर दिया, मेरे ऊपर डाल दिया।
द कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट क्या होता है बच्चों? कॉन्विक्ट उस बंदे को बोलते हैं हु फाउंड गिल्टी ऑफ एनीथिंग, यानी कि दोषी। कॉन्विक्ट का मतलब दोषी, एक्विट का मतलब बरी होना। द कॉन्विक्ट एस्केप्ड डैश अ हाई सिक्योरिटी प्रिजन, जो वो कॉन्विक्ट था, जो दोषी था, वो एक हाई सिक्योरिटी कैद से, हाई सिक्योरिटी जेल से भग गया। यहाँ पे क्या आएगा? स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग डैश इंक्रीजिंग स्कूल फीस इन स्कूल। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसकी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कि स्कूल में फीस बहुत बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवीज पेरेंट डिस अप्रूव्ड, रवि के पेरेंट डिसअप्रूव्ड कर रहे हैं उसकी मैरिज किसी बैंकर के साथ, कि आप इतने वेल्दी बैंकर के साथ मैरिज नहीं कर सकते। ऑल राइट, ऐसे ऐसा नहीं है कि 5-6 क्वेश्चन से हमारा बेस बन जाएगा, नहीं सॉरी ऐसे 50, 60, 100 क्वेश्चंस हमें करने होंगे। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा जिसमें आपको ये छोटी छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। इनको मैंने नाम दिया है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। यस दे आर फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। यहाँ पे आपको वो नहीं करना है कि आपको इनटू का मतलब पता होना चाहिए, आपको फ्रॉम का मतलब ओरिजिन बताया था, नहीं, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है। आपको जो मैं अभी वर्ड्स लिखाऊंगा इनको इनको सॉरी रटना होगा, अच्छे से याद करना होगा। ऑल राइट, क्या आप लोग आंसर कर सकते हैं? थोड़ा सा एक बार सोचिए क्या आएगा। I almost never agree dash him, but this time we share the same opinion. मैं कभी उसके साथ agree नहीं करता था, लेकिन आज हमने और उसने same opinion share किया, आज हमारी विचारधारा same है। क्या आ सकता है first के अंदर, बताइए बच्चों। Okay, चलो मैं समझा देता हूँ आपको first के अंदर क्या होगा। बच्चों word है हमारा agree, क्या है word? Agree, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई एग्जाम में आए हुए हैं, रीजनल एग्जाम्स, हरियाणा वाले बिल्कुल ध्यान रखना, एग्री वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीजीएल सीएसएचएल वाले बिल्कुल आपके पास भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। एग्री वर्ड के साथ आप क्या लगाएंगे? आई एम एग्री टू यू, के आई एम एग्री विद यू, बताओ। आई एम एग्री टू यू, के आई एम एग्री विद यू, के आई एम एग्री एट यू, क्या लगाएंगे आप? चलिए एग्री टू नहीं लगाते, एग्री के साथ कभी तो प्रेपोजिशन लगाएंगे विद। दिख रहा है आपको क्लियर? यहाँ पे एग्री के साथ या तो आएगा विद प्रेपोजिशन या उसी एग्री के साथ आएगा एट प्रेपोजिशन, ठीक है। आई एम एग्री विद यू एंड आई एम एग्री एट योर डिसीजन, क्लियर। एग्री विद होता है एग्री विद समवन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति हो, कोई पर्सन हो, पर्सन लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई बंदा हो, कोई व्यक्ति हो, उससे आप एग्री करते हैं तो आप बोलेंगे एग्री विद। क्या बोलोगे भाई? एग्री विद, आई एम एग्री विद यू, ठीक है। आई एम एग्री विद माय मदर, आई एम एग्री विद माय फादर, आई एम एग्री विद माय फ्रेंड, ठीक है, एग्री विद। लेकिन एग्री एट आता है एग्री एट समथिंग, समथिंग समझते हैं, पर्सन नहीं होगा ये, किसी बात पर आप एग्री करते हैं, ठीक है। आई एम एग्री एट योर, आई एम एग्री एट योर बिहेवियर, ठीक है, आपके बिहेवियर से मैं एग्री करता हूँ। आई एम एग्री एट योर डिसीजन, मैं आपकी डिसीजन से एग्री करता हूँ। तो अगर कोई पर्सन होता है तो एग्री विद, लेकिन अगर कोई बात है, कोई डिसीजन है या कुछ भी है, आई एम एग्री एट योर ओपिनियन, तो आप वहाँ पे एग्री एट लगाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, एग्री के साथ, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आई ऑलमोस्ट नेवर एग्री डैश हिम, मैं उसके साथ कभी एग्री नहीं करता। आप मुझे बताइए, ये जो हिम है ये कोई पर्सन ही तो होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है ही का, और ही हम किसके लिए यूज करते हैं हमेशा? किसी पर्सन के लिए, किसी नॉन लिविंग के लिए तो नहीं लगा सकते ना हिम, या किसी क्लोजेज के लिए तो नहीं लगा सकते, क्लोजेज के लिए इट आता है। तो आप क्या बोलेंगे? आई ऑलमोस्ट नेवर एग्री विद हिम, ठीक है। तो इस वर्ड को याद रख लेना बच्चों, बोलो एग्री विद, बोलो, मैं बार बार क्लास में ऐसे बोल रिसाइट करवाता हूँ बच्चों को, एग्री विद एंड देन एग्री एट। ये छोटी छोटी चीज़ों की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। ओके, एग्री विद हिम, ऑल राइट। व्हाट वुड बी देयर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? ही सब्सक्राइब्ड डैश वीकली मैगजीन्स। सब्सक्राइब समझते हैं, आपने न्यूज़पेपर लगवा रखा है, आप ऐसे बोलते हैं ना अभी तक न्यूज़पेपर लगाना, तो उसको अपन सब्सक्राइब्ड बोलते हैं। आपने उसको सब्सक्रिप्शन, आपने उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो आप कैसे, आजकल वेब सीरीज का टाइम है, आजकल जो अपने वेब ब्राउजर चैनल्स हैं उनका टाइम है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव सब्सक्रिप्शन डैश Amazon Prime, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन के साथ अलग वर्ड आएगा, लेकिन आई हैव सब्सक्राइब्ड डैश Amazon Prime, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? बोलो सब्सक्राइब्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेटेस्ट वर्ड है, चल रहा है काफ़ी, तो बिल्कुल आने के चांसेस हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आएगा? ही सब्सक्राइब्ड डैश वीकली मैगजीन्स, बताइए। इनको मैं लाइव क्लासेस में बहुत अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि उसका मेरे को आपका रिस्पॉन्स मिलता रहेगा, ठीक है। तो He subscribed to weekly magazines. Preposition याद रखना, क्या आएगा? He subscribed to. तो बच्चों second word हमारा है, यहीं लिख देता हूँ मैं, subscribed अगर कभी आता है तो आप preposition क्या लगाएंगे? Subscribed to.
ये टू कोई डायरेक्शन बेस्ड प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं है, जो मैंने पहले आपको क्लासेस में कराया था वो डायरेक्शन बेस्ड था फ्रॉम और टू, यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन है सब्सक्राइब्ड टू। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो सब्सक्राइब्ड के बाद क्या आएगा? टू आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? शी ब्लेम्ड द इंसिडेंट डैश माई केयरलेसनेस, उसने जितने भी ये इंसिडेंट है मेरे ऊपर डाल दिए कि मेरी केयरलेसनेस की वजह से हुआ है, मेरी लापरवाही की वजह से ये हुआ है। क्या आएगा? इंसिडेंट। बच्चों यहाँ पे आप लगाएंगे इंसिडेंट ऑन, क्या लगाएंगे? इंसिडेंट ऑन। ध्यान से सुनना, ऐसा अगर कोई सेंटेंस आपको एग्जाम में, फ्यूचर एग्जाम्स में मिलता है, दैट ही ब्लेम्ड दिस इंसिडेंट ऑन माई केयरलेसनेस, तो इंसिडेंट ऑन फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे, मैं आपको फ्रेज बता रहा हूँ, इंसिडेंट के साथ तो और भी आ सकता है। आपको याद रखना है क्या ये फ्रेज, क्या याद रखना है? बच्चों मेरी बात मान लो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यू कैन ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, जो जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप बिल्कुल याद रखेंगे ऑन माई केयरलेसनेस, बिल्कुल ये फ्रेज याद रखेंगे, ठीक है। इन माई केयरलेस बिल्कुल नहीं, ओवर माई केयरलेसनेस बिल्कुल नहीं, आप बोलेंगे ऑन माई केयरलेसनेस, मेरी लापरवाही की वजह से, ऑन माई केयरलेसनेस याद रख सकते हैं दोबारा से। एग्री विद अ पर्सन, एग्री एट अ थिंग, सब्सक्राइब्ड टू, और फिर ऑन माई केयरलेसनेस। ओके, हाँ भाई बात समझ में आ रही है? तो ओके, तो ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ते रहो, समझते रहो, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्या है? द कॉन्विक्ट एस्केप्ड डैश अ हाई सिक्योरिटी प्रिजन, यानी कि जो कैदी था वो बहुत हाई सिक्योरिटी प्रिजन से क्या हो गया? एस्केप्ड होगा। एस्केप्ड का मतलब सबको पता है भग गया, है ना, एस्केप्ड का मतलब भगना होता है। क्या आएगा प्रेपोजिशन यहाँ पे, सोचो थोड़ा, एस्केप्ड के बाद क्या लगाएंगे आप? ये वर्ड्स याद रख लेना, सब्सक्राइब टू हो गया, ये हो गया, एस्केप्ड फ्रॉम होता है बच्चों, से भगना, एस्केप्ड फ्रॉम, इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो एस्केप्ड फ्रॉम, एस्केप्ड फ्रॉम यानी से भगना, ठीक है। द कॉन्विक्ट एस्केप्ड फ्रॉम अ हाई सिक्योरिटी प्रिजन, अगेन दिस इज ऑल्सो अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। फिक्स्ड प्रीपोजिशन करने का कोई तरीका? जी हाँ बिल्कुल तरीका है, क्या? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप फिक्स प्रीपोजिशन से करेंगे उतना ही आपका बेटर होगा, क्योंकि क्या होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, जो CBSE पास आउट होते हैं, उनके लिए क्या होता है, उन्होंने बचपन से इंग्लिश पढ़ी होती है, ठीक है, तो वो यूज टू हो जाते हैं इन वर्ड्स को, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती इन चीज़ों में। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे, आप लोग मेरी बात सुन लीजिए कि फिक्स प्रीपोजिशन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप इतने यूज टू इंग्लिश के होते नहीं है, आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़े हुए, हिंदी पढ़े हुए, तो ये कोई गलत बात नहीं है, बस हल्का सा आपको थोड़ा सा मेहनत और करनी है। क्लियर है? ओके, तो एस्केप्ड के बाद क्या आएगा? एस्केप्ड फ्रॉम आएगा। ओके सॉरी, स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग डैश इंक्रीजिंग स्कूल फीस इन स्कूल, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनकी फीस बहुत बढ़ गई है स्कूलों में। हाँ जी, याद आया कुछ? कुछ याद करो, कर रहे हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये सारी चीजें बताई हैं कि प्रोटेस्ट मैन, जैसे अभी फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो भी आपने बिल दिया है उसको वापस लीजिए, जो भी आपने बिल पास किया है उसको वापस लीजिए, है ना, द एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल 2020, ये मैटर चल रहा है अभी, तो उसी से रिलेटेड है कि प्रोटेस्ट वर्ड का, प्रोटेस्ट वर्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है। फिलहाल आप प्रोटेस्ट का मतलब पता है, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध, एगिटेशन। प्रोटेस्ट के साथ आप हमेशा अगेंस्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अगेंस्ट इंक्रीजिंग स्कूल फीस, ठीक है, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट ध्यान रख सकते हैं, रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्या है? रवीज पेरेंट्स डिसअप्रूव्ड डैश हर मैरिज टू द वेल्दी बैंकर, रवि के पेरेंट्स ने, रवीज पेरेंट्स डिसअप्रूव्ड, क्या डिसअप्रूव्ड कर रहे हैं? कि उसकी शादी नहीं होगी वेल्दी बैंकर्स के साथ। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए, क्या आ सकता है बच्चों? डिसअप्रूव्ड के बाद आप क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे? सोचो बच्चों, डिसअप्रूव्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ड आपको मैं एक बार बता देता हूँ, डिसअप्रूव्ड वर्ड, ठीक है, आई कैन राइट डाउन दिस ऑन ए स्टैम्प पेपर, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये वर्ड मिलेगा, एक बार सब मेरे साथ बोल दीजिए, बोलो डिसअप्रूव्ड। डिसअप्रूव्ड का मतलब तो पता है, अनुमति नहीं दी है, कंसेंट नहीं दिया है। डिसअप्रूव्ड के बाद आएगा ऑफ, ओ एफ, सिंगल एफ, डिसअप्रूव्ड ऑफ हर मैरिज, डिसअप्रूव्ड ऑफ हर मैरिज,
ध्यान रखेंगे, यही फिक्स प्रेपोजिशंस होते हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मैं और आपको सामने 5-6 क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा हूँ, आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक बार मेरे साथ ये जितने भी वर्ड हैं बोल लीजिएगा, एग्री विथ या एग्री एट, ओके, सब्सक्राइब्ड टू, सब्सक्राइब्ड टू, ठीक है, एस्केप्ड फ्रॉम, क्या है, एस्केप्ड फ्रॉम, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, क्या है बच्चों, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, एंड देन अनदर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज डिसअप्रूव्ड ऑफ, क्या होगा, डिसअप्रूव्ड ऑफ। समझ में आ रही है, ये हमारे फिक्स प्रीपोजिशंस है। चलिए 5 क्वेश्चंस और देखते हैं, फिर आप हटा रहा हूँ मैं इसका स्क्रीनशॉट, ले लीजिए सर। फिक्स प्रीपोजिशन जितनी हो सकती है उतनी मेहनत करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके और 2-3 लेक्चर्स हम डालेंगे अभी। चलिए 6 क्वेश्चन हो गया, 7th लिखना, 7 स्मॉल चिल्ड्रन बिलीव डैस दे आर द, Small children believed as Father Christmas or Santa Claus, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए वो क्वेश्चन ये है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 8 Rugby age often, आपको यहाँ पे fixed prepositions पकड़ने हैं बस, often या वो vocab पकड़नी है जिसके साथ वो आते हैं, often associated, ये भी important word है, dash associated, rugby age often associated dash being a brutal sport, अभी मतलब समझाएंगे, till then आप try कीजिए answer ढूंढने का। 9th, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं, सी इंसिस्टेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सी इंसिस्टेड डैश टेकिंग मी आउट, टेकिंग मी आउट टू डिनर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिएगा। 10th, She invited me dinner last night, ठीक है। 11th, the young woman smiled, ये आपको कल कराया था मैंने, द यंग वुमेन स्माइल्ड डैश मी एंड आई स्माइल्ड बैक, ठीक है बात, ओके। और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन, the dog barked dash the delivery man, चलिए ओके। चलो बच्चों अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, 12 क्वेश्चंस ये हो गए हैं, फिक्स प्रीपोजिशंस हैं, यहाँ पे भी एक इसमें थोड़ा सा फिक्स नहीं है, वो प्रीपोजिशन बेस्ड है। ऑलराइट, क्या होगा यहाँ पे बताओ आंसर, अरे हाँ जी, 7th क्वेश्चन क्या है, स्मॉल चिल्ड्रन बिलीव डैश फादर क्रिसमस और सेंटा क्लॉज, छोटे बच्चे किस में बिलीव करते हैं, कि फादर क्रिसमस या सेंटा क्लॉज में बिलीव करते हैं, तो क्या आंसर होगा इसके अंदर बता सकते हैं, तो बहुत सिंपल है बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एवरी वर्ड एवरी वोकैब टेक्स अ फिक्स प्रीपोजिशन विद इट, ठीक है ना, उसके साथ विद इट कोई ना कोई फिक्स प्रीपोजिशन आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, सम स्मॉल चिल्ड्रन बिलीव, बच्चों बस इतना याद रखना है, बिलीव के बाद आपको क्या लगाना है, बिलीव इन, पता होगा आपको, जैसे कि वर्ड है हमारा बिलीव,
वर्ड है हमारा फेथ, वर्ड है हमारा ट्रस्ट। ये वर्ड जिनका मतलब भरोसा होता है, इनके साथ आप प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे? इन। ठीक है, क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, क्रेड से जो भी वर्ड बनता है उसका मतलब ही ट्रस्ट होता है। क्रेडिबिलिटी, क्रेडुलस, ठीक है, इनक्रेडिबल, तो क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी वर्ड भी आ जाए तो आई हैव क्रेडिबिलिटी इन। तो ट्रस्ट से रिलेटेड जो भी वर्ड है मुझे उसमें भरोसा है। हमें भगवान में भरोसा है कि भगवान पर भरोसा है? वी हैव बिलीव ऑन गॉड कि वी हैव बिलीव इन गॉड? तो बिलीव इन, ट्रस्ट इन, फेथ इन, क्रेडिबिलिटी इन। ठीक है, तो जितने भी ट्रस्ट वाले वर्ड हैं उनके बाद प्रपोजिशन आप इन लगा के आइएगा। ओके, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट। रग्बी इज ऑफन एसोसिएटेड एज बीइंग अ ब्रूटल स्पोर्ट, स्पोर्ट। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? मैं ये हटा रहा हूँ बिलीव फेथ और ट्रस्ट वाला। रग्बी इज ऑफन एसोसिएटेड, रग्बी को हमेशा किससे एसोसिएट किया जाता है कि सर ये एक ब्रूटल स्पोर्ट है। ब्रूटल का मतलब जहाँ पे आपको हार्मफुल स्पोर्ट है, भयंकर का मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगती है। ठीक है, ब्रूटल का मतलब हार्मफुल हो गया, ब्रूटल स्पोर्ट है। रग्बी इज ऑफन एसोसिएटेड डैस बींग अ ब्रूटल स्पोर्ट, क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे प्रिपोजिशन? बच्चों सुना होगा ना वर्ड एसोसिएट? अरे बिल्कुल सुना है यार आपने। एसोसिएट का मतलब क्या होता है? एसोसिएट का मतलब होता है लिंक होना, है ना, उससे लिंक है। एसोसिएट मतलब उससे जुड़ा हुआ है। तो आई एम एसोसिएटेड एज, कुछ भी चीज़ से अगर मैं एसोसिएट करता हूँ तो आप क्या लगाएंगे? बच्चों एसोसिएट के साथ, बहुत अच्छा है, एसोसिएट विद, क्या लगाएंगे? एसोसिएटेड विद। ठीक है, किसी के साथ जुड़े होना। रग्बी इज ऑफन एसोसिएटेड, रग्बी को कैसा माना जाता है कि सर ये तो बहुत ब्रूटल गेम है, तो एसोसिएटेड विद बीइंग अ ब्रूटल स्पोर्ट। ठीक है, रग्बी इज ऑफन एसोसिएटेड विद बीइंग अ ब्रूटल स्पोर्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक? ऑल राइट, थर्ड नेक्स्ट सेंटेंस बताएंगे बच्चों क्या आएगा? हाँ जी, जल्दी से थर्ड सेंटेंस पढ़िए। सी इंसिस्टेड डैश टेकिंग मी आउट टू डिनर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इंसिस्ट वर्ड को क्यों मैं बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कई एग्जाम में मैंने देखा हुआ है, कई एग्जाम में आया हुआ है। प्रपोजिशन यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा? इंसिस्टेड। ठीक है, इंसिस्ट वर्ड का मतलब पता है आपको? एसोसिएटेड विद का मतलब से जुड़ा हुआ। इंसिस्ट वर्ड का क्या मतलब होता है? इंसिस्ट का मतलब होता है कि अगर मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ यार प्लीज करते हैं, यार प्लीज करते हैं। ठीक है, आई एम इंसिस्टिंग डैश डूइंग समथिंग, मैं कुछ ना कुछ करने को आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ बार बार। इंसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ से क्या है बच्चों सोच नहीं पाते क्या आएगा। सी इंसिस्टेड, बच्चों सुनना, इंसिस्ट ऑन होता है, ये ध्यान रखने पड़ेंगे बच्चों। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, रटो इन्हें। इंसिस्ट ऑन, आग्रह करना, किसी बात पर आग्रह करना, किसी बात पर, किसी बात पर अगर आप जुड़े रहेंगे, किसी बात पर आग्रह करना, पीछे पड़ जाना इसके, यार करो ना, कन्विंस बोलते हैं इसको हम, तो इंसिस्ट के बाद आएगा ऑन आएगा। ठीक है, बात। सी इंसिस्टेड मी ऑन टेकिंग मी आउट टू डिनर, वो मुझे इंसिस्ट कर रही है, मुझसे आग्रह कर रही है कि आज वो मुझे डिनर पे लेके जाएगी। ऑल राइट, ठीक है, तो चलो सेंटेंस पढ़ के ही खुश हो लो। आगे वैसे तो कोई इंसिस्ट कर नहीं रहा होगा आपसे, बट अगर कर भी रहा है तो आप क्या बोलेंगे? सी इंसिस्टेड मी ऑन टेकिंग मी टू डिनर, ठीक है, टू नाइट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर डबल स्टार लगाना चाहता हूँ, क्या आ सकता है? सी इन्वाइटेड मी डैश डिनर लास्ट नाइट, कल रात को उसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया था, क्या लगा सकते हैं बताइए? सी इनवाइटेड मी डैश डिनर लास्ट नाइट, कल उसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया। सोचो थोड़ा सा, समझो क्या लगाएंगे बच्चों? यूजुअली जब मैं इसको क्लास में पूछता हूँ तो बच्चे सब गलत आंसर देते हैं, बहुत कम बच्चे, ऐसा नहीं है सभी 100 में से 2, 10, 3, 4 बच्चे सही आंसर देंगे, अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली सभी गलत देते हैं। इन्वाइटेड के बाद क्या आता है बच्चों? ही इन्वाइटेड मी डैश डिनर, तो मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं? सर ही इन्वाइटेड मी ऑन डिनर, उसने मुझे डिनर पर बुलाया। हिंदी में क्योंकि हम बोलते हैं तो उसी हिसाब से हम फिल करते हैं प्रपोजिशन, क्यों मैंने बोला है फिक्स प्रपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से समझते रहना बच्चों। ठीक है, और एक बात फिर से बोलना चाहता हूँ कि आपको कास्ट क्लासेस के ऊपर सब कुछ मिलने वाला है, तो आप प्लीज़ कास्ट क्लासेस के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार देखो, लाइक करना, पूरी वीडियो आप देखना, समझ ना आए तो दोबारा देखना, फिर समझ में ना आए तो तीसरी बार देखना, फिर समझ ना आए तो फिर कमेंट में बॉक्स कर देना कि सर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आएगा, समझ क्यों नहीं आएगा, आप देखो तो सही 2-3 बार। तो बात क्या है? सी इन्वाइटेड मी
ऑन मत बोलना मेरे प्यारे बच्चों, टू क्या आएगा, टू, इन बात को याद रखना, इनवाइटेड या इनवाइट टू होता है, ऑन नहीं होता है, फिक्स प्रीपोजिशन। सी इनवाइटेड मी टू डिनर, सी इनवाइटेड मी टू डिनर लास्ट नाइट, ठीक है, दे इनवाइटेड मी टू डिनर, ठीक है, तो इनवाइटेड टू या इनवाइटेड टू, बात क्लियर है, समझ में आ रही है बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक तो सुनो, एसोसिएटेड विद, ठीक है, इंसिस्टेड ऑन, इनवाइटेड टू या इनवाइट टू, क्लियर है ये सब चीज़ें, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द यंग वोमेन स्माइल्ड डैश मी एंड आई स्माइल्ड बैक, एक यंग वोमेन मुझे देख के हंसी और मैंने उसको दोबारा से स्माइल कर दी, तो मौज हो गई आपकी, मौज तो तब होगी जब आप प्रेपोजिशन सही लगाएंगे, तब भी बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, आप क्या बोलेंगे, द यंग वोमेन स्माइल्ड डैश मी एंड आई स्माइल्ड हर बैक, और मैंने उस पर दोबारा से स्माइल किया, तो द यंग वोमेन स्माइल्ड, बताया था ये अपना क्या है, टारगेट बेस्ड प्रेपोजिशन, कौन सा बताया था, एट, याद आया, स्माइल्ड एट, लाफ एट, स्कॉफ एट, ही थ्रू स्टोन एट मी, तो बच्चों स्माइल्ड के बाद क्या आएगा, एट आएगा, इसको भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्माइल्ड एट दिख रहा है ना आपको, लाफ्ड एट क्या होता है, लाफ्ड एट, इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये फिक्स प्रिपोशंस हैं हमारे, इनको फ्रेजल वर्ब भी हम बोल देते हैं कई बार, स्माइल्ड एट एंड लाफ्ड एट, किसी दूसरे पर हंसना, स्माइल्ड एट, किसी दूसरे पर हंसना, लाफ्ड एट, किसी दूसरे का मजाक उड़ाना, स्कॉफ्ड एट, किसी दूसरे को देखना, लुक एट, ठीक है, क्लियर, क्लियर है बच्चों, ठीक है, बात नेक्स्ट क्या है, द डॉग बार्कड डैश द डिलीवरी मैन, कुत्ता डिलीवरी मैन पर भौंका, ऑन द डिलीवरी मैन, अरे ऑन आता है टचिंग सरफेस के साथ या किसी फिक्स प्रपोजिशन के साथ, यहाँ पे आप बोलेंगे द डॉग बार्कड एट द डिलीवरी मैन, क्योंकि टारगेट का सेंस आ रहा है और मैंने आपको अच्छे से समझाया है, यहाँ पे टारगेट का सेंस है स्माइल एट, तो जब भी टारगेट का सेंस हो आप किसका यूज करेंगे, एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो बच्चों हालांकि इन 20 वीडियो में आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिला, लेकिन प्रैक्टिस हमने जरूर करी है फिक्स प्रपोजिशन की, तो फिर से कल आपको मिलेंगे और कल जो हम पढ़ेंगे उसमें फिर से फिक्स प्रपोजिशंस की बात करेंगे और फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो बच्चों मैं आपके ऊपर कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ कि आप घर पे कुछ ले आओ, 200 पेज ले आओ, 200-300 क्वेश्चंस ले आओ, नहीं, मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस भी मैं ही करा दूँ आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आएंगी, आप, मैं मान रहा हूँ, मतलब सॉरी, मैं आपको मना रहा हूँ, मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि इंसिस्ट के बाद ऑन आता है, आई एम इंसिस्टिंग यू कि आप इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन लगाएंगे, ठीक है, बात, इनवाइटेड के बाद हमेशा टू लगाएंगे, एसोसिएटेड के बाद विद लगाएंगे, सब्सक्राइब के बाद टू लगाएंगे, समझ में आई बात ये, तो इन चीज़ों को समझो, पढ़ो, कल और अच्छी क्लास देखे आएंगे आपके सामने, बस अगेन एक बात मत भूलना, कुछ समझना आया तो वीडियो को 2-3 बार देखना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना वीडियोज़ को, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, और अगर कोई बच्चा कोई भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड नहीं है, कोई भी रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बिल्कुल टच में रह सकते हैं, ठीक है, बींग अ जेन्युइन टीचर मैं आपको हर चीज़ में हेल्प करूँगा जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ होगी, ठीक है, तो आप अपने जो भी कंप्लेंट्स हैं या कुछ भी चीज़ है आप हमें बिल्कुल लिख सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे और फिर से कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, प्रेपोजिशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार बोलता हूँ मैं आपको, इसके रिलेटेड हम चीज़ें कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई वैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको बस वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना है, कास्ट क्लासेस चैनल है हमारा, इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, चलिए बच्चों, थैंक यू।